सबसे पहले हम एक बोल में 100 ग्राम मस्का ले लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम मावा, 100 ग्राम मावा इन दोनों को हम बीटर से बीट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम शुगर। ये पाउडर शुगर नहीं है, मैं पूरा शुगर डाल रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब मैं फिर से इसे बीट कर लूँगी। मैं पहले इसे सबको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसे बीट करना शुरू करूँगी। मैंने इसे थोड़ी देर बीट कर लिया। अब मैं इसमें एक अंडा डालूँगी और फिर इसे बीट करूंगी। इसी तरह से मैं एक एक करके 5 अंडे ऐड करूंगी और इसे बीट करते जाऊंगी। तो हम इसे बीट करना शुरू करते हैं। ये मैंने दूसरा अंडा ऐड कर दिया। अब मैं फिर से इसे बीट करूंगी। एक एक करके मैंने इसमें पूरे 5 अंडे ऐड किए और इसे बीट किया। इस तरह से हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। इसे हम मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला है। अब मैं इसे थोड़ा और बीट करूंगी। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। तो उसके लिए एक बोल में मैं 125 ग्राम्स मैदा ले लूंगी। मैंने ये कप से मेजर किया है। और 125 ग्राम्स रवा, इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। हम इस तरह से मिक्स करेंगे, इसे कट करेंगे, मिक्स करेंगे, कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। एक साथ पूरा नहीं डालना है हमें। मैंने बाकी का भी इसमें डाल दिया। तो मैं इसे फिर से मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक टिन ले लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस किया था, फिर इस पर मैंने इस तरह से बटर पेपर लगा दिया। अब मैं ये बैटर इसमें डालूंगी। मैंने इसमें पूरा पोर कर दिया है। अब मैं इसे हल्के से टैप कर लूंगी ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखूंगी। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। अब मैं ये इसमें डालूंगी। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से ये मैंने काजू लिए हैं और किशमिश, ये दोनों मैं इसमें ऐड करूंगी।
आप चाहे तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे उस ओवन में रख दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए। अगर बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ये बेक नहीं हुआ है तो मैं इसका टाइम और बढ़ा दूंगी। मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब ये मोल्ड मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसे ओवन में डाल दिया है। मैंने नीचे और ऊपर दोनों कॉइल को चालू रखा है, 180 डिग्री पे रखा है 20 to 25 मिनट्स। उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है। और 5 मिनट के बाद मैं इसे खोल के चेक कर लूँगी। मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है, इसे ठंडा भी मैंने कर लिया। 25 मिनट्स के बाद मैंने इसे चेक किया था, ये थोड़ा सा ऊपर से अच्छा कलर आ गया था, अंदर से थोड़ा बेक नहीं हुआ था। तो मैंने नीचे के कॉइल को चालू रखा था और ऊपर के कॉइल को बंद कर दिया था ताकि ये नीचे से अच्छे से बेक हो जाए, अंदर से भी बेक हो जाए। कलर तो ऊपर से आ गया था इसका। फिर मैंने 25 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स और इंक्रीज करके इसे बेक होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा साइड से नाइफ डाल के लूज कर दूंगी। वैसे तो बटर पेपर है, ये इंशाल्लाह आसानी से निकल जाएगा। मैं इसे निकाल लूंगी, हमें बहुत ही केयरफुली इसे निकालना है। इसके साइड के पेपर्स हटा दूंगी। मैंने इसे बटर पेपर से निकाल दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसे कट करेंगे। इसको बीच में से पहले कट कर लूंगी। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इस तरह से मैं पूरे पीस बना लूंगी। रेडी है हमारे रवा मावा केक। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो आप लोग जब इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे बनते हैं। तो इसे ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।